अलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? माशाल्लाह सब अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं सामने यहाँ पर ही कुकर में चढ़ाई, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। पाव भाजी के लिए मैंने ये ले ली हूँ फूलगोभी, फूलगोभी है, टमाटर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? माशाल्लाह सब अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि मेरे सामने सब्जी कटा हुआ है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। तो पाव भाजी के लिए मैंने ये सब्जी, कॉलीफ्लावर है दो ठो, और गाजर है, टमाटर है, आलू है और बीन्स है। ये सारे को मैंने अच्छी तरीके से काट के धो लिए हैं और इसका आज हम बनाएंगे पाव भाजी। तो इसको भी हम डाल देते हैं कुकर में। सारे सब्जी को हम कुकर में डाल देंगे। तो मैंने सारे सब्जी को डाल दिए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे पानी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। एक दो सीटी हम इसको लगा लेंगे, एक सीटी या दो सीटी लगा लेंगे हम। साथ में नमक, हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। पानी डाल के हम थोड़ा सा चला लेंगे। चला के ढक्कन हम इस लगा देते हैं कुकर का, और दो सीटी आने तक हम इसको बनने देते हैं। अब हमारे तेल हम डाल चुके हैं, तेल हमारे गर्म हो चुके हैं, इसमें हम डाल देंगे जीरा, हरा जीरा, लहसुन है, अदरक के टुकड़े हैं, मिर्ची, तो मैं डाल दूंगी लहसुन को। अदरक को अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। तो पहले अभी इसको हम अच्छी तरीके से लहसुन को थोड़ा सा हम जला लेंगे। ये दो प्याज है छोटे साइज के, तो मैंने एक दो प्याज कटिंग कर ली, तो इसको भी डाल देते हैं। डाल के इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे, चला लेंगे। तो ये हमारा बन रहा है पाव भाजी मसाला। इसको हम थोड़ा सा हम सुनहरा होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये अदरक के टुकड़े हैं, इसको मैं डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा हम इसको सुनहरा होने तक बना। अब इसको खोल के देखते हैं हमारे सब्जी गले कि नहीं गले। तो हम खूब अच्छी तरीके से हमारे सब्जी सारे गल गए हैं, तो इसको भी हम किनारे कर देते हैं। इसको हटा के हम अब इसमें हम मसाले सभी डाल देंगे। मिर्ची पाउडर डाल दें, थोड़ी हल्दी पाउडर डाल देंगे, डाल के इसको हम जलने नहीं देंगे, हम धीमी आंच में इसको हमको करेंगे जल्दी। इसको हम अच्छी तरीके से चला लिए, चलाने के बाद इसमें हम ये सब्जी है इसको हम डाल देंगे। सब
हम सारे सब्ज़ी इसमें डाल चुके हैं, तो अब इसमें हम डाल देंगे पाव भाजी मसाला। ये है मुंबई का पाव भाजी मसाला। इसको थोड़ा हम डालेंगे। डाल के इसको हम अच्छी तरीके से थोड़ा 5 मिनट इसको हम बनाएंगे। इसका थोड़ा हम पानी को इसमें सुखा लेते हैं। इसी सब्जी का पानी था इसीलिए मैं इसको अलग नहीं करी कि ये पानी इसमें सूख जाएगा। इसका अगर पानी निकाल देते तो इसका पूरा टेस्ट ही निकल जाता। तो बहुत लोग को मैंने देखा है कि सब्जी का पानी को निकाल देते हैं सब्जी डालते हैं, तो मैंने सब्जी नहीं निकाली, मैं डाल दी इसमें। तो ये थोड़ा देर पकेगा, इसमें डाल देते थोड़ा सा नमक। ऐसे मैंने पहले नमक डाले थे, थोड़ा सा और नमक डाल देते। डाल के खूब अच्छी तरीके से हम चलाएंगे। थोड़ा हम बटर डालेंगे। इसमें थोड़ा बटर डालने से अच्छी तरीके से टेस्ट आ जाएगा। आपके पास अगर नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हैं, बटर है तो बटर डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं। ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी ये लगेगा। तो इसको हम थोड़ा 5 मिनट के लिए ढक के, इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसको एक बार खोल के देखते हैं हमारा बना कि नहीं पाव भाजी मसाला। तो ये हमारे बनके तैयार हो गए हैं। इसको हम चला के देख लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे मैश देंगे, खूब अच्छी तरीके से इसको हम मैश देंगे। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, MDH का गरम मसाला। तो ये हमारे पाव भाजी खाने के लिए रेडी हो गए। तो आप सबको कैसा लगा हमारे ये पाव भाजी की रेसिपी, सब्जी हमने जो बनाए हैं? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसा बनाते हैं। मैं तो अपने तरीके से बनाई हूँ। तो ये बन के तैयार हो गया है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अच्छे से अच्छे वीडियो अगले ब्लॉग में हम मिलते हैं आप सबसे। तो ये हमारे रेडी हो गए। अल्लाह हाफिज। अब हम बनाएंगे पाव भाजी को, हम थोड़ा सा सेक लेंगे। तो हम घी डालेंगे थोड़ा सा, इसको हम अच्छी तरीके से इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे। एक और बना लेते हैं, इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे। इसको भी हम सेक लेते हैं। तो ये था हमारे पाव भाजी की रेसिपी, पाव भाजी और साथ सुबह का नाश्ता हमारे।
तो ये थे हमारे पाव भाजी की रेसिपी, बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं सुबह का नाश्ता हमारे पाव भाजी। तो आप सबको कैसा लगा हमारा ये पाव भाजी की रेसिपी, तो हमको कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।